नई कूटनीति क्या है बच्चों, आप इसको दिमाग में चढ़ा लो, चित्र बना लिया करो। सबसे पहला क्या है, क्या है, नई कूटनीति। सबसे पहली बात यह है कि ये ग्लोबल है, विश्व व्यापक है। और दूसरे फॉर्म में मल्टी लेटरल है, यानी बहु पक्षीय है। तीसरे फॉर्म में ओपन है, हाईली ओपन कर लो, हाईली ओपन यानी अत्यधिक यह खुली है। आगे जाओगे डेमोक्रेटिक, लोकतंत्रीय है, ठीक है। न्यू डेमोक्रेसी क्या है, इस फॉर्म में है, ग्लोबल है, मल्टीलेटरल है, हाईली ओपन है, डेमोक्रेटिक है, लेस फॉर्मल है। अगर इसके नैरेटिव को थोड़ा सा और जस्टिफाई करेंगे तो ये क्या है, ये लेस फॉर्मल है, यानी कि कम औपचारिक है। कम औपचारिक होगी तो दूसरे फॉर्म में क्या हो जाएगी, हाँ हाँ मोर रिलायंट है ये, ठीक है, मोर रिलायंट। पुरानी जो डिप्लोमेसी थी 16th century से जो 1919 तक चली, उसमें ये वाले गुण नहीं थे। 1945 जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद न्यू डिप्लोमेसी आई, उसमें ये फीचर्स हैं, है ना। अब बहुत ज़्यादा डिप्लोमेसी को लेकर के मतलब सेक्रेट टाइप की चीज़ नहीं रह गई, मैंने बोला हाईली ओपन है, ठीक। और देखा जाए तो 1945 के बाद शायद देशों में कुछ समझदारियां भी बढ़ी होंगी, लेकिन अहंकार भी साथ साथ बहुत बढ़े। मतलब चाहे कोई देश हो या व्यक्ति हो, असल घटना को पहचान नहीं पा रहा है। चाइना अगर $14 trillion की अर्थव्यवस्था है तो उसके साथ अहंकार जुड़ जाता है। अमेरिका अगर $20 trillion की अर्थव्यवस्था है तो अहंकार जुड़ जाता है। भारत अगर बामुश्किल $4 trillion भी नहीं है तो लिबरल रह जाता है। क्यों? और रशिया वगैरह को देखिए तो वो भी किसी अहंकार में ही चूर हैं, चाहे परमाणु बम बनाए हों, चाहे युद्ध सामग्री अतिरिक्त इकट्ठा कर लिए हों और अर्थव्यवस्था मजबूत कर लिए हैं, तो तोड़ फोड़ दो सब। मतलब गलती की सजा यह है कि किसी के दशकों के विकास को एक दिन में नेस्तनाबूद कर दो। अब हम एक तरफ कह रहे हैं कि हमारी जो न्यू डिप्लोमेसी है वो विश्वव्यापी है, ग्लोबल है। अरे यार, पहले हम दो देशों तक सीमित थे, तीन देशों तक से अगल बगल सीमित थे, अब तो दुनिया में पूरा हल्ला गुल्ला करके चलते हैं। अभी कोरोना आया था तो कोरोना कोविड की दवाई दे करके भी एक अलग डिप्लोमेसी। वो ब्राज़ील वाला क्या बोला मोदी जी के लिए, मोदी जी हनुमान हैं, संजीवनी दिए हैं, बोला था ना। अफ्रीका के बहुत सारे देश हैं जो कोविड की दवाई बनाना तो छोड़ दो, उनके पास पैसा नहीं है जो दवाई खरीद सकें, उसको भी भारत ने दे करके क्या किया। कोविड तो क्या था बेटा, कोरोना काल में संजीवनी थी ना, तो संजीवनी कौन लाए, हनुमान। मोदी जी क्या थे, हनुमान, सबको कोविड का दवाई दिए। नेपाल ओपाल कोविड की फैक्ट्री लगाएंगे दवाई बनाने का, है पैसा इनके पास, साइंस है इतना तेज। तो हमारी जो विश्वव्यापी जो
डिप्लोमेसी है उसके बेनिफिट तो मिलने मिलेंगे ना। हमारी 4 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था है, हमारी 4 ट्रिलियन डॉलर मुश्किल से है। 4 ट्रिलियन डॉलर में हम 1 अरब 40 करोड़ हैं। यही कारण है कि हमारे यहाँ एक वर्ग बहुत ज़्यादा मुसीबत में रहता है, क्योंकि सब कुछ उसके पास अभी पहुँच नहीं है और सरकारें चाह ले तब भी नहीं पहुँचा सकती हैं, क्योंकि सरकारों के पास कहाँ से पैसा है। और जिसके पास 20 ट्रिलियन है, 14 ट्रिलियन है, वो अहंकार में मदमस्त हैं, है ना। मल्टीलेटरल, अब हम लोग बहुपक्षी हो गए, क्योंकि हर जगह से हमारा रिश्ता कम ज़्यादा है। अरे यार, यूक्रेन से हमारा रिश्ता है, रसिया से भी है। रसिया तो हमारा नैसर्गिक मित्र है। रसिया और अमेरिका के बीच में 36 का आंकड़ा है, लेकिन रसिया से और अमेरिका से दोनों से हमारी दोस्ती है। एक स्ट्रेटजिक फ्रेंड है और एक एक नेचुरल फ्रेंड है हमारा। और यह विश्वव्यापी कूटनीति का ही एक जमावट, आप समझिए कि हम रसिया से उतने ही मित्र हैं जितने पहले थे, चाहे यूक्रेन को तोड़ा था नहीं तोड़ा था। और अमेरिका से हम उतने ही मित्र हैं जितना यूक्रेन के तोड़ने से पहले, यानी अमेरिका को इस बात की शिकायत नहीं है कि हम यूक्रेन की मदद कर रहे हैं और रसिया हमारे खिलाफ है, आप उससे दोस्ती क्यों रखते हैं। ये नई डिप्लोमेसी ही तो है। हमारे दुश्मन से आप मिलते हैं लेकिन हमें आपसे शिकायत नहीं है, ये न्यू डिप्लोमेसी ही तो है। और खुला है, बिल्कुल खुल्लम खुल्ला। और ले आते हैं उसके यहां से कच्चा तेल, सऊदी अरब, ईरान, फिरान आ रहे। ईरान से तो हम 2019 से तेल नहीं ले रहे हैं, सऊदी उदी से ले रहे, सब महंगा महंगा पड़ता था, हमने ले आओ चल चलते हैं रसिया से लेते हैं, तेल बेच रहा है धड़ाधड़। क्या बोला था पाकिस्तान का प्रधानमंत्री इमरान खान, अब तो नहीं है जब था, कि भारत की विदेश नीति आत्मनिर्भर खुली हुई है, मतलब किसी दबाव में नहीं रहती है, हाईली फॉर्मल। देखो, हाईली फॉर्मल का मतलब होता है उच्च जो है, सॉरी, हाईली ओपन इसका मतलब है पूरी तरह खुली हुई, काफी शीर्ष लेवल की खुली। अब कोई छुपी हुई डिप्लोमेसी नहीं, न्यू पॉलिसी में, न्यू डिप्लोमेसी में ओपननेस ज्यादा है, जो हूं सामने हूं मतलब। और एक है डेमोक्रेटिक यानी लोकतांत्रिक। अब बाकी हमने बताया कि लेस मोर है, लेस फॉर्मल है, अब कम फॉर्मल है, हम लोग इनफॉर्मल ज़्यादा हैं। अरे देखते नहीं प्राइम मिनिस्टर मोदी, मैंने बताया होगा कभी, बराक ओबामा को क्या कहते थे, बराक। हमारे यहाँ मिश्रा जी, शुक्ला जी, उनियाल जी, नौटियाल जी, नेगी जी, बिष्ट जी, रावत जी, हम सेकंड और लास्ट नाम से काम चलाते हैं, लास्ट नेम से। और भैया शुक्ला जी क्या हाल है, कहाँ है, ठीक है तिवारी जी, और अपना सुनाइए। हमारो ठीक है, अब दफ्तर में चले जाइए। और शुक्ला कहाँ हो मैं, चलो चाय पीने चलते हैं। हमारे यहाँ लास्ट नेम थ्योरी है, नेगी आवास, बिष्ट आवास, सुनियाल निवास, हाँ ये लिखते हैं ना। और यूरोपीय देशों में फर्स्ट नेम थ्योरी, हाउ डेविड, हाउ आर यू, फाइन, फर्स्ट नेम थ्योरी। मोदी जी ने क्या बोला बराक ओबामा को, बराक बराक। वो इतनी अच्छी दोस्ती कर लिए कि बराक ओबामा को बराक ओबामा भी नहीं बोलते थे, बराक ओबामा जी भी नहीं बोलते थे, प्रेसिडेंट बराक भी नहीं बोलते थे, सीधे बोलते थे बराक। गजब, ये क्या था, लेस फॉर्मल। प्राइम मिनिस्टर मोदी
यूएसए के प्रेसिडेंट बराक ओबामा को बराक कह के संबोधित कर रहे हैं, केवल बराक। यह लेस फॉर्मल है। अगर फॉर्मल लेस होगा तो फिर मोर क्या होगा? हाँ हाँ, तो जो एस्पेक्ट है उसको समझो कि वो जो हमारी डिप्लोमेसी है वो कहाँ पे चली गई। हमारी डिप्लोमेसी जो थी वो लेस फॉर्मल हो गई। लेस फॉर्मल होगी तो ओपन ज़्यादा हो जाएगी। लोग कह रहे यार फॉर्मेलिटी मत किया करो यार, ठीक है। लिखो प्रचार पर अधिक निर्भर है, लास्ट में लिख लो, यह कम औपचारिक तथा प्रचार पर अधिक निर्भर है। रिलायंट ऑन पब्लिसिटी, मोर रिलायंट ऑन पब्लिसिटी, प्रचार पर ज्यादा निर्भर है। लिखो प्रचार पर निर्भर अधिक, द इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ द डिप्लोमेसी, द इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ दिस डिप्लोमेसी इज दैट, द इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ दिस डिप्लोमेसी इज दैट द रोल ऑफ डिप्लोमेट हैज रिड्यूस्ड इन दिस। इस कूटनीति की महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें कूटनीतिज्ञ की भूमिका कम हुई है, इसमें कूटनीतिज्ञ की भूमिका कम हुई है। आपको बेटा यह समझने की आवश्यकता, मतलब तुलनात्मक है, कि ओल्ड जो डिप्लोमेसी थी उसमें डिप्लोमेट का काम थोड़ा बड़ा था। अब जब आपने इसके फीचर्स को समझ ही लिया है, चलो ग्लोबल तो है ही, पहले कम देशों के साथ था, अरे जब आप पहुँचे ही नहीं, वास्को डिगामा आया ही नहीं होता तो उसको कहाँ से पता चलता किधर क्या जाना, कोलंबस गया ही नहीं तो अमेरिका, तो पहले तो ऐसे सब था ना भाई। आप सिंधु घाटी मेसोपोटामिया और यही सब आचा पाचा बात करते थे, हम कहाँ जाते थे वहाँ ऑस्ट्रेलिया और कहाँ यहाँ वहाँ जाते थे भाई। धीरे धीरे हमारे पापुआ न्यूगिनी जाने वाले तो पहले राष्ट्र प्रधानमंत्री हैं, इसराइल जाने वाले पहले प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं। अब सब देशों में जा चुके हैं, छोटे यार बोले ये द्वीप व्वीप जो हैं ये समुद्र में क्यों लटक रहे हैं, चलो यहाँ भी हवाई जहाज उतारते हैं। पापुआ न्यूगिनी भी चले गए। तो जब जहाँ जहाँ आप जाएंगे, जितने देश के हुक्मरानों से मिलेंगे, चाहे संयुक्त राष्ट्र संघ में मिलें या अपने देश में बुलाएं या स्वयं जाएं, तो आपका जो एक प्रकार से डिप्लोमेसी है कम ज़्यादा होती चली जाएगी। तो आप तो ग्लोबलाइज हो गए ना, और फिर बाद में मल्टीलेटरल होते जाएंगे, धीरे धीरे आप हाईली ओपन होते जाएंगे, लोकतंत्री हैं ही, लेस फॉर्मल है ही, और ज़्यादा प्रचार प्रसार हो ही रहा है। तो अब तो डिप्लोमेट का काम उतना नहीं रहा जैसे पुराने डिप्लोमेट के होते थे भाई। सीसीटीवी कैमरा आपने लगा दिया, अब आपको सड़क पर गाड़ी या अगल बगल घर में अंदर बाहर कोई अगर चोर उचक्का आया, दरवाज़ा वो बाउंड्री क्रॉस कर दिया, तो आप किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं, सीसीटीवी कैमरे में देख सकते हैं कितने बजे कितने मिनट कितने सेकंड में डाका था। तो एक प्रकार से चौकीदारी का जो भूमिका थी वो घटा दिया ना, और चीज़ें काफ़ी ओपन हो गई। अब ये छुपा भी नहीं सकते कि नहीं रात को 1:30 बज रहा था, 1 बज रहा था, बोल बैठ 12:36:30 ये देख बता रहा है, ये बाउंड्री चढ़ा, सब कुछ लाइनअप हो गया कि नहीं। तो कई चीजों को घटा दिया, समझ गया ना। तो क्या घटा दिया? डिप्लोमेट का रोल घटा दिया। न्यू डिप्लोमेसी में डिप्लोमेट की भूमिका कम हो गई। अब तो प्रधानमंत्री वगैरह ही चले जाते हैं, अपना काम करके चले आते हैं, विदेश मंत्री मंत्री चले जाते हैं, अपना काम करके चले जाते हैं,
अब इतने बड़े डिप्लोमेट की न्यू डिप्लोमेसी में घटाव हो गया, ठीक है, लाइन बदलो। द ओल्ड डिप्लोमेसी वाज मेनली कन्फर्म्ड या कन्फाइंड वर्ड लिखो, सीमित कर देते हैं इसको, टू यूरोप। पुरानी कूटनीति मुख्य रूप से यूरोप तक सीमित थी। पुरानी कूटनीति क्या थी? यूरोप तक। यूरोप तक क्यों सीमित थी बच्चा? गुलाम किससे थे हम? ही अंग्रेज फंग्रेज से, तो हम यहीं तक रह गए। अपना डच आया, पुर्तगाली आया, है ना, ये आए, अंग्रेज आए, फ्रांसीसी आए, यहीं तक थी हमारी। बताया क्यों नहीं? बताया क्यों नहीं कि चार्ज नहीं हो रहा है? हैं? हैं? क्यों नहीं बताया? वैष्णवी, जब से आया हूँ, आई है, बता बताना है आपको, हैं? बताया कर रुचि, ये तुम्हारे साथ की है, इस साल तुम्हारा फर्स्ट ईयर पेपर है ना। तुम्हारा सेकेंड ईयर है, तुमने डेट ऑफ बर्थ तुम्हारा क्या है? ये हाई स्कूल की उम्र में बीए कर रही है ये वैष्णवी। हाँ जी यार, आज सर्दी लग रही थी सुबह। सर्दी नहीं लग रही थी थोड़ी, कल से तो थी, अप्रैल, मगर ये मौसम है यहाँ का तो शानदार है। अब तो गर्मी आ जाती थी। ये तो आप लोगों ने बेटा डिक्लेयर कर दिया है सर्दी नहीं है, लेकिन थोड़ी मोड़ी है, थोड़ी मोड़ी सर्दी है। देहरादून में तो हम बता रहे हैं ना आपको कि 5 मई 2005 को मैं एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में गया था लेक्चर देने, लोग हाफ स्वेटर पहन के बैठे थे, वो भी दिन में 11-12 बजे के बाद, बता रहे हैं। ये देहरादून का मिजाज था 20 साल के आसपास। तो तुम लोग, कई लोग पैदा नहीं हुए थे वैष्णवी, हाँ पैदा नहीं हुई थी। क्या करें, पैदा नहीं हुए थे ना, 5 में पैदा हुई थी तो, सब लोग वैष्णवी नहीं हुई थी। इसके पिताजी राजा जनक बन के खोज रहे थे इसको, खोज में लगे थे, मेरी वैष्णवी कहाँ है। खोजते खोजते 7 में पाए, 6 में, हाँ 6 में पाए, खोजते रह गए, 99 से खोज रहे थे, है ना, जब से भी खोजे। यार हम पहले पढ़ते थे कि राजा जनक जो हल चला रहे थे तो सीता मिली, तो मैं सोचा यार हल चलाते समय कैसे मिली होगी, जमीन में गड़ी इस तरीके से। इसका किंवदंती जानते हैं क्या है, कैसे है? हाँ 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 नहीं, कहाँ पैदा हुई वो? नहीं है, वो हल चलाते हुए खेत में मिली थी। हाँ यार, ऐसे कैसे मिलेगी? एक सीरियल है, उसमें मैं देख रहा था, वो हल चला रहे हैं तो एक पेटी मिलती है छोटी सी,
उसको सांप कर खोलते हैं तो एक बच्चा उसमें किलकारी मारते ही निकलता है, वही सीता थी। अब बताइए कोई खेत में बॉक्स में गड़ा बच्चा किलकारी मार रहा है अंदर से, ये तो मतलब पता है नहीं उस टाइम में। पहले हम लोग यूरोप तक सीमित थे एंड हेंस इट इज कॉल्ड यूरोपियन डिप्लोमेसी, एंड हेंस इट इज कॉल्ड यूरोपियन, और इसलिए इसे यूरोपियन कूटनीति कहा गया। तो हमारी जो पुरानी कूटनीति थी वो पहले यूरोप तक सीमित थी, है ना। अब जैसे चित्र बनाना हो तो आप कह सकते हैं जैसे डिप्लोमेसी यानी कूटनीति। अगर कूटनीति को देखें तो एक ओल्ड जिसको आप समझ रहे हैं, एक न्यू। ओल्ड 16th century टू 1919, न्यू आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वार, इट मीन्स 1945। इसको आपने देख लिया है कि ग्लोबल है, ओपन है, डेमोक्रेटिक है और हाईली ओपन है, लेस फॉर्मल है वगैरह वगैरह ना। और आपने इसको देखा, अच्छा और मल्टीलेटरल है ना, मल्टीलेटरल है यानी ये डिफरेंट डिफरेंट नेचर लिए हुए, इसके फीचर्स चेंज हो गए। जबकि हम अगर इस दौरान में देखें तो हमारा वास्ता किन लोगों से था, यूरोपियन से था। तो हमारी जो डिप्लोमेसी ओल्ड रही, अगर उसको हम लोग यूरोपियन डिप्लोमेसी बोलें तो उसकी एक प्रकार से हमारी डिप्लोमेसी ओल्ड डिप्लोमेसी की पर्यायवाची है वो, ठीक है ना। तो ओल्ड डिप्लोमेसी इज इक्वल टू यूरोपियन डिप्लोमेसी, हमारा वास्ता ही वहीं तक था 16th century से लेकर अब तक देखेंगे तो ये। बाकी आफ्टर इसमें, अच्छा इसमें देखेंगे तो बहुत ही डिप्लोमेट का जो काम था वो काफ़ी मतलब ठीक बड़ा काम था। आज के टाइम में डिप्लोमेट का काम घटा है न्यू डिप्लोमेसी में, लेस फॉर्मल होने से भी हुआ है कि आप तो प्रचार प्रसार होता है खूब। अब तो हम कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं तो खूब हल्ला करते हैं, छुपा काम नहीं करते, क्वाड ये करेगा वो करेगा, चाइना को ऐसा करेंगे ये करें, खूब कहानी टीवी सीबी में खूब चलती है। प्रधानमंत्री ने पूर्वी लद्दाख से जा करके चीन को ललकारा, अब तो सब ऐसे ही चलता है, ठीक। तो एक लाइन इसमें नोट कर लीजिए, इट वॉज लिमिटेड इन नेचर, इट वॉज लिमिटेड इन नेचर, यह स्वभाव में सीमित, फुल ऑफ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्रीडम, फुल ऑफ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्रीडम फॉर फ्रॉम कर लीजिए, फ्रॉम हटा ही दो, सिर्फ इतना लिखो, कामा लगा के लिखो, लिखो आगे कॉन्फिडेंटली एंड कॉन्फिडेंटली लिख लीजिए। लिख सकते हैं कि यह सीमित, और स्वतंत्रता के लक्षण से युक्त, पूरी तरह स्वतंत्र और विश्वास से भरी है, समझ गए कि नहीं। हाँ, विश्वास है, स्वतंत्र है वगैरह। हेडिंग बनाओ थर्ड वर्ड,
थर्ड वर्ल्ड, तीसरी दुनिया। तीसरी दुनिया क्या है, एक लाइन में लिख लो। तीसरी दुनिया बच्चा तीन दुनिया है, पहला क्या है, एशिया, दूसरा क्या है, अफ्रीका, और तीसरा क्या है, साउथ अमेरिका। एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के जितने देश 1950s के टाइम में आजाद हुए उनको तीसरी दुनिया कहा जाता है। एक लाइन लिखो, द थर्ड वर्ल्ड कंसिस्ट्स ऑफ कंट्री इन एशिया, अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका। दैट वेयर हेल्ड बाई कॉलोनियल पावर फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर, हंड्रेड्स ऑफ ईयर, एंड बिकम इंडिपेंडेंट इन द 50s एंड बिकम इंडिपेंडेंट इन द 50s। तीसरी दुनिया में एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देश शामिल हैं जो सैकड़ों वर्ष तक औपचारिक सत्ता से जकड़े थे। औपचारिक सत्ता से जकड़े थे और 50 के दशक में स्वतंत्र हुए। ठीक है बच्चा, क्लियर? ठीक, आगे लिखो, द रोल ऑफ द एलीट इन द सिस्टम ऑफ थर्ड वर्ल्ड, थर्ड वर्ल्ड कंट्री इज फार मोर इन्फ्लुएंशियल, इन्फ्लुएंशियल। तीसरी दुनिया के देशों की व्यवस्था में अभिजन वर्ग की भूमिका कहीं अधिक प्रभावशाली है। तीसरी दुनिया के देशों में, देशों की व्यवस्था में अभिजन वर्ग की भूमिका कहीं अधिक प्रभावशाली है। द रोल ऑफ द एलीट इन द सिस्टम ऑफ थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज इज फॉर मोर इन्फ्लुएंशियल। ऐसा है, इसका मतलब समझेंगे नहीं? सिमरन कुछ बताओ, जैसे क्या लिखा है, वैसे पढ़ लो पहले। तीसरी दुनिया के देशों की व्यवस्था में अभिजन वर्ग की भूमिका कहीं अधिक प्रभावशाली है। हाँ, क्या कर रहा है?
कौन? हाँ जी, सीखा क्या समझे? अमीर लोगों की ज्यादा, अमीर कहाँ के? हाँ, इसमें कह रहा है तीसरी दुनिया की देशों के संबानी क्या है, गवर्नमेंट की पॉलिसी को इन्फ्लुएंस कर देता है कि नहीं? तो तीसरी दुनिया में जो अमीर है, जो ताकतवर है, वो क्या करता है? शेष व्यवस्था को इन्फ्लुएंस कर देता है। अमेरिका में तो सब ठीक है, तो कौन इन्फ्लुएंस करेगा? क्यों भाई, आप तो बड़े घर मकान देख के इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, बड़ी सी कार देख के इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। हाँ, आप दूसरों के बड़ा सा मकान देख के इन्फ्लुएंस हो गए, आप उसकी कार देख करके इन्फ्लुएंस हो गए। मुकेश अंबानी अभी, अरे यार क्या नाम है उसके लड़के का, अनंत अंबानी। हाँ, अनंत अंबानी की प्री वेडिंग हुई, जितने थे सब इन्फ्लुएंस थे कि नहीं? क्योंकि एक अमीर आदमी के यहाँ हो रहा है तो सलमान खान भी नाचेंगे वहाँ जाके, चाहे पैसा 1 रुपया न मिले। तो अभिजनवाद, अभिजन जो वर्ग होता है, वो से तो व्यवस्थाएं इन्फ्लुएंस होती ही हैं। अडानी हो, अंबानी हो, इन सब से गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस नहीं होती क्या? बिल्कुल होती है। आपको लगता है कि अंबानी अडानी ऐसे लोगों से गवर्नमेंट की पॉलिसी इन्फ्लुएंसेस नहीं होती? तो पूरा सच नहीं है। जियो टेली कम्युनिकेशन में काम करता है, आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट पॉलिसी बनाते समय भूल जाती है क्या कि जियो भी है? इन्फ्लुएंस होते हैं। आप अभी, आपके घर में कोई ओकेजन हो, शादी हो, मोहल्ले का सबसे बड़ा रईस आदमी को आप नहीं भूलेंगे। इन्फ्लुएंस रहते हैं, चाहे उसका घर थोड़ा दूर पे ही हो, आना जाना कम हो, फिर भी सोचते चलो यार शादी में तो बुला ही लेना चाहिए। शादी में इसलिए नहीं बुलाना, बल्कि उसके बगल वाले घर को छोड़ दिया आपने, उसको दिया, इन्फ्लुएंस ही तो थे। इसी मोहल्ले में कोई आईएएस ऑफिसर्स रह रहा हो, आईएएस ऑफिसर, आप उसको जाके निमंत्रण दे के आएंगे? उसके बगल में एक व्यक्ति रह रहा है, दूसरा घर है, उसको नहीं दे के आएंगे क्योंकि वो इंटर कॉलेज में क्लर्क है? तो आप आईएएस से इन्फ्लुएंस ही तो थे, तभी तो आप उसको कार्ड दे के आए। तो तीसरी दुनिया में जो अभिजन वर्ग होता है, उससे व्यवस्थाएं इन्फ्लुएंस होती हैं। सिस्टम जो है इन्फ्लुएंस होगा। और तीसरी दुनिया में जो अभिजन वर्ग है, जो एलीट क्लास है, उससे जब ये हमारा सिस्टम इन्फ्लुएंस होता है, तो इसमें एक खतरे होते हैं आर्थिक खाई के। एलीट क्लास अपने हिस्से का फायदा अपने बड़े पैमाने पे ले लेता है। समझ गए कि नहीं भाई? गरीबी दूर करने की पॉलिसी गवर्नमेंट बनाना चाहे तो बनाए, लेकिन गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करने वाले उसमें एलीटपन है क्या? भुखमरी के लोगों में क्या है? क्यों हमारे यहाँ बैंकों से जो अरबपतियों ने पैसे मार मार के भाग गए या नहीं दिए, बैंक उनसे इन्फ्लुएंस था कि नहीं? हाँ, आप अभी जाइए बैंक के पास, बोलिए कि साहब हमको 5 लाख रुपया चाहिए, वो पूरी आपकी अतड़ियां तक गिन डालेगा, लेकिन कहेगा 5 लाख नहीं मिलेगा आपको, आपकी हैसियत नहीं है 5 लाख रुपया लेके लौटाने की। पी चिदम्बरम वित्त मंत्री भी रहे हैं, पी चिदम्बरम ने कहा था
कि गरीब लोग बैंकों का लोन लौटा देते हैं, मारते तो अमीर हैं। गरीब आदमी डरता रहता है बैंक का, एक खूब फोन चला जाए तो गरीब आदमी तो पैदल दौड़ के भाग चला जाता है बैंक में कि हुजूर अभी तो पैसा है नहीं है, 5,000 रुपये रख लीजिए। तो बैंक ने भी जो एनपीए हुए, जो बैंकों के पैसे मारे गए, हालांकि बैंक दूसरे हिस्से से पैसा निकाल ही लेता है, मैंने तो देखा है, इसलिए बैंक के पर ट्रस्ट या बैंक पर जो है एक प्रकार से पारदर्शी तरीके से विश्वास नहीं किया जा सकता। सबसे जब 10.5 लाख का एनपीए था तो सबसे ज़्यादा घाटा पीएनबी का था। आज पीएनबी का घाटा कहाँ गया? वो पैसे वापस भी नहीं आए उतने, फिर भी आपके घाटे की भरपाई कहाँ से हो रही है? तो जो सीधे साधे अकाउंट धारक हैं उनके खातों में कुछ हुआ होगा, बैंक रेट गिर जाता है, बैंक बताए बगैर ईएमआई वही काटते रहते हैं। तो जो अमीर लोगों से तो हमारा सिस्टम इन्फ्लुएंस है ही, बैंक इन्फ्लुएंस है, बैंक का मैनेजर तो अमीर आदमी के घर में जाके लोन देता है, उनको बैंक भी नहीं बुलाता, और अमीर गरीब आदमी बैंक का चक्कर काटता है, 2 लाख 4 लाख रुपए भी उसको लोन नहीं मिलते, जबकि आसानी से अगर समझा जाए तो वो लोन चुकाने के लिए अपनी चमड़ी भी बेचने के लिए तैयार रहेगा, क्योंकि उसको बेइज्जती से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कोई चीज़ नहीं है कि बेइज्जती ना होने पाए हमारी, लोग क्या कहेंगे, अमीर आदमियों को कौन कहता है। अनिल अंबानी इतने करोड़ों रुपए के कर्ज में अपने को दिवालिया, नेटवर्थ जीरो दिखा दिया इंग्लैंड में, उनको कोई किस बात की बेइज्जती, सहारा का किस बात का बेइज्जती, वो तो चले भी गए। अभी आप किसी से कर्जा ले लीजिए और आकर के मोहल्ले में 4 लोगों को पता चल जाए कि आदमी कर्जा लिया, आप शर्म के मारे डूब मरेंगे, लेकिन बड़े बड़े रईस कर्जा लेते हैं और देश विदेश भाग जाते हैं और पता नहीं दूसरा देश उनको नागरिकता दे देता है। इतने अमीर हैं कि वहाँ जाके 2-4 करोड़ 10 करोड़ दे दिए, वहीं नागरिक हो गए, निवेश कर दिए, इन्वेस्ट वहाँ के जो हिसाब किताब है। तो तीसरी दुनिया की एक बड़ी समस्या क्या है, अभिजन वर्ग का यहाँ के सिस्टम अभिजन वर्ग से इन्फ्लुएंस रहता है, और इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या है कि वो एलीट क्लास और बड़ा हो जाता है, हाईली इकोनॉमिकली हो जाता है, साउंड हो जाएगा। और आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है कि पिछले सन 1947 से लेकर के अब तक अगर हमारे देश के सिस्टम में, चलो मान लेते हैं कि बहुत बुनियादी कमियां रही होंगी, रिसोर्सेज प्रॉब्लम, मैन पावर प्रॉब्लम, स्किल प्रॉब्लम, और भी जितने भी इकोनॉमिक को मैनेज करने के लिए ज़रूरी पक्ष थे वो सब कमज़ोर रहे होंगे, लेकिन इस हकीकत से कैसे आप अनजान हो सकते हैं कि इसी देश में एलीट लोगों ने हमारी पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करके अपने हिस्से की आर्थिक दशा को, दुर्दशा को नहीं होने दिया, बढ़त में बना लिया, और गरीबी, बीमारी, बेरोजगारी और यहाँ तक कि भुखमरी इस देश का बीमारी और कैंसर बन गया। 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से आप गरीबी दूर कर रहे हैं, अब 2024 ठीक 50 साल हो गया, आपकी गरीबी दूर क्यों नहीं हुई? हंगर इंडेक्स में आप रोजी रोजगार और मुफ्त में अनाज की बात करते हैं, फिर भी हंगर इंडेक्स में 111वें नंबर पे क्यों हैं? अगर एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के देश जो 50s के टाइम में सैकड़ों वर्षों से कॉलोनियल थे, आज़ादी प्राप्त किए, और अपने सिस्टम में अगर वहाँ के एलीट क्लास को प्रभावित होने देंगे, उनकी एंट्री होने देंगे, तो उनके हिस्से का फ़ायदा उनको मिलता रहेगा, बाकी जो सर्वोदय अंत्योदय की भावना है उससे देश दूर रहेगा। अंबानी हो, अडानी हो, ये रातों रात अमीर कैसे बन जाते हैं? रातों रात इतना पैसा कहाँ से आता है भाई? यहाँ लोग बरसों बरस मेहनत करते हैं तो 2 वक्त की रोटी जुटाना मुश्किल होता है, और ये अगर ऐसा भी है तो ये हमारे सिस्टम का दोष है। और किसी भी देश में सबसे बड़ी विडंबना तो आर्थिक खाई होती है, हाँ, और आर्थिक खाई भाई ऐसा कैसे, एक तरफ तो हम सोशलिज्म अपनी पॉलिसी का हिस्सा मानते हैं, कैपिटलिज्म भी है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है, हम सरकारी भी हैं, निजी भी हैं, सोशलिस्ट हैं, कैपिटलिस्ट हैं, सब कुछ हैं,
लेकिन एक लिस्ट बड़ी लंबी समय से चली आ रही जिसको दूर नहीं किया जा सकता, वो गरीबी है, भुखमरी है, जो सूचीबद्ध निरंतर उस सूची में संख्या बढ़ती चली जा रही है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हमको ये समझने की ज़रूरत है कि कहीं एलीट लोगों ने तो हमारे सिस्टम को इन्फ्लुएंस नहीं कर दिया है और रोज़ाना वो अरबपति बनते जा रहे हैं। इसीलिए कहा जाता है मुट्ठी भर लोगों के पास अरबों रुपया है और पूरा अकूत जो संपदा है वो उनके पास है और अकूत लोगों के पास मुट्ठी भर संपदा भी नहीं है। तो ये पॉलिसी के शिकारी तो लोग हैं, पॉलिसी मेकर जाने। हाँ, एक आदमी खा खा कर उसकी तोंद बढ़ती जा रही, एक आदमी कंकाल बना जा रहा है, ये पॉलिसी मेकर की गलती है ना। हर रईस आदमी से, हर अमीर आदमी से सिस्टम इन्फ्लुएंस है। बैंक देखो, रईस आदमी को जल्दी लोन दे देगा, वही रईस आदमी उसको चूना लगाता है, बाद में कस्टमर के पैसे से घाटे पूरे किए जाते हैं। आपने बैंक में चेक लगाया, मैं SBI की बात कर रहा हूं, SBI जैसा बैंक जो कि मतलब काफी विश्वास और पुराना और एम्पिरिकल वही बैंक हुआ करता था जमाने पहले, तो उस बैंक को 590 रुपया एक चेक बाउंस पे काटने की क्या जरूरत है? एक चेक बाउंस होता है आपके अकाउंट में, एक रुपया कम है, 10 रुपया कम है, यानी कि पैसा सफिशियंट नहीं है, मिनट भर नहीं लगेगा 590 रुपया और रिड्यूस हो जाता है। क्यों? कभी 70-75 रुपया बैंक काटते थे, आज 590 रुपया क्यों काटते हैं? क्यों भाई? कहीं का घाटा कहीं से पूरा करेंगे ना, आप तो ताक में रहेंगे कि इनसफिशियंट बैलेंस बताए, तुरंत बैंक तुरंत चेक बाउंस किया जाए, क्योंकि 590 रुपया तो खरा खरा पैसा आ गया। ये तो बैंकों की मुफ्त की कमाई है, क्या करते हैं? स्टाफ तो बैठा ही है वहां, भाई चेक बाउंस हो या चेक निकालिए, अगर चेक पास हो गया तो जो पैसा है वो ट्रांसफर हो जाएगा, 590 रुपया बैंक को नहीं मिला, काम वही करना है, लेकिन 590 रुपया बैंक को मिल गया, तो बैंक को तो चेक बाउंस होने में फायदा है ना। तो भाई चेक बाउंस की सजा इतनी बड़ी क्यों? ऊपर से 138 में क्राइम मुकदमा है, इधर बाउंस हुआ उधर क्रिमिनल केस तैयार हुआ। तो जो मेरा कहने का मतलब है कि जो NPA है, किसके पैसे से NPA की भरपाई हो रही, हमको यही नहीं समझ में आया आज तक। भाई विजय माल्या पैसा वापस नहीं किया तो PNB का पैसा फायदे में कैसे चला गया? भाई आपसे हमको 50,000 रुपया लेना था, आपने दिया नहीं और हमें 1,25,000 का फायदा हो गया, ये पता करना पड़ेगा ना। किसके पैसे से आपने फायदा उठा लिया यार? खाताधारकों के। RBI बैंक रेट को गिरा देता है, अब EMI में फ्लेक्सिबल EMI होती है, आपका प्रिंसिपल अमाउंट ज्यादा कटना चाहिए, आपका लोन आपका इंटरेस्ट वही काट रहे हैं, आप जागरूक नहीं है तो कट तो रहा है। जाके पूछिए कि साहब अब तो बैंक रेट कम हो गया, अब हमारा प्रिंसिपल अमाउंट इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस है? कई लोगों को तो बैंकिंग का, इकोनॉमिक्स का, अकाउंटेंसी का कोई आइडिया ही नहीं है और खाता सबका है, खाता से पैसा कैसे उड़ गया पता ही नहीं चला। बैंक के मैनेजर भी कह देंगे, अरे साहब ये तो हमारा तो है नहीं, ये तो कहाँ से हुआ, ये तो ऊपर वाले जाने। अब ऊपर वाले के पास तो ऊपर जाके ही पता चलेगा, सब लोग ऊपर पहुंचते नहीं हैं। तो तीसरी दुनिया में बच्चा कोई भी पॉलिसी हो, अभिजन वर्ग का प्रभाव होता है। जो आप लोग अंदाजा लगा रहे सब गलत लगा रहे थे, सब लोग गलत लगा रहे थे, इसमें साफ साफ लिखा तीसरी दुनिया के देशों में व्यवस्था में अभिजन वर्ग की भूमिका, जो राय बहादुर बनने खां ये सब बने रहते हैं, उन सब का इन्फ्लुएंस रहता है। समझ गया? और एक लाइन इसी में जोड़ लीजिए, इट कैन ऑल्सो बी सीन दियर इन्फ्लुएंस
इट कैन ऑल्सो बी सीन देयर इन्फ्लुएंस ऑन द डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट, ऑन द डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट, यह सरकार के निर्णयों पर भी इनका प्रभाव देखा जा सकता है, यह सरकार के निर्णयों पर भी इसका प्रभाव देखा जा सकता है। हाँ, समझ गया ना, सरकार जो भी निर्णय लेती है, अगर हमारा, अरे यार हद कर दिया आपने, हद कर दी आपने। हाँ, हमारे देश का एलीट क्लास अगर सिस्टम को प्रभावित ना करे तो एलीट होने का उसको फायदा क्या, अपने हिस्से की रोशनी तो खींच ही लेता है, और सरकार के निर्णयों पर उस एलीट क्लास का सीधा इफेक्ट होता है। अरे आपने देखा नहीं चुनावी बांड में चंदा किसने दिया, आपने दिया, कई रुपए का खरीदा। हाँ, जो बीपीएल में है वो खरीदे, जो 80 करोड़ अनाज लेते हैं उन्होंने चुनावी बांड लिया, कौन लिया चुनावी बांड, अरे इस सोसाइटी का, इस तीसरी दुनिया का एलीट क्लास, जिसने चुनावी बॉन्ड लिया 60 करोड़, 100 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, 200 करोड़, आपका दिमाग खराब है, वो एलीट क्लास है, वो गवर्नमेंट के निर्णयों को प्रभावित नहीं करेगा। हाँ, नहीं करेगा प्रभावित। अयोध्या में बेटा राम मंदिर बना, बन गया। 22 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम हुआ, आपने सबने देखा, वहां पर आपने फेसबुक पे देखा होगा कि बहुत सारे लोगों को वहां से आमंत्रण भी मिले, जो बहुत सारे बहुत अच्छे से, जो भी था एक बॉक्स टाइप का बड़ा अच्छा सा डिजाइन की अयोध्या में निमंत्रण मिला, मिला आपको, मिला नहीं, यहां बैठे किसी को मिला, नहीं मिला ना। अगर 2,500 करोड़ के आसपास वहां पर चंदा इकट्ठा हुआ मंदिर बनाने के लिए, हो सकता है 10-20 रुपये आपने भी दिया हो, मंदिर है कोई भी दे सकता है, लेकिन वो जो निमंत्रण गया था ना, जो 50 लाख करोड़ चंदा दिए थे ना, उनके पास गया था, जो एलीट क्लास थे ना उनके पास गया था। यानी मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में इन्फ्लुएंस वहां के लोग उनसे हुए थे जो या तो भारी भरकम चंदा दिए थे, जो एलीट क्लास थे। तो भगवान के घर में भी बुलावा जो है ना, एलीट को ही आता है। आप कहां हैं, आप एक नंबर है, नंबर, यू आर नंबर, 1,40,00,000,000 भाइयों बहनों, यू आर वोटर ओनली, संख्या में आप हैं बस। ये बात और है कि आप देश में नंबर हैं और अपने घर वालों के लिए नंबर वन हैं, लेकिन आप अपने घर वालों के ही दुश्मन हैं। क्यों दुश्मन है, वो बेचारे करियर बनाने में लगे, आप मस्ती लेने में लगे हैं, वो गाढ़ी कमाई आप पे खर्च कर रहे हैं, आप लुटा रहे हैं, वो सोचते हैं तरक्की विकास हो, कल ये अफसर बने कुछ करें, आपको मदमस्त हो सही नहीं है। मैं ऐसे बोल रहा हूं, और जो पैसा दिए हैं, देखिए वहां मंदिर में भगवान राम का दर्शन कर रहे हैं, उनको बाकायदा ऑकेजनली बुलाया जा रहा है। तो मंदिर में भी बच्चा, मंदिर के लोग भी उनसे इन्फ्लुएंस हैं जिन्होंने करोड़ों रुपए चंदा दिया है, चुनावी बॉन्ड जिन्होंने खरीदा है, सिस्टम उनसे इन्फ्लुएंस है, अमीर से बैंक इन्फ्लुएंस है। आप अपने शादी में एक मिनिस्टर को बुला लीजिए, आप इन्फ्लुएंस रहेंगे, सारा प्रोटोकॉल तोड़ के उसके पीछे घूमते रहेंगे। हाँ, एक उत्तराखंड के एक मिनिस्टर, कोई आपके कहीं से निकल आए कोई ऐसा कनेक्शन, और आपके घर में शादी, उनको निमंत्रण दे दीजिए, वो आ भी जाएं, उसके बाद देखिए बारात की दुर्दशा। आप तो लग जाएंगे प्रोटोकॉल, अब वहां मामा आए हैं, वहां बुआ आई है, वहां फूआ आई है, वहां वो रिश्तेदार आए हैं, वहां वो आए हैं, सब बेचारे ऐसे रह जाएंगे, वो वहीं आप घूमते रह जाएंगे, जब तक वो आएंगे, जब तक जाएंगे नहीं, आप वहां बधुआ मजदूर की तरह घूमते रहिए।
कारण कि वो एलीट है। एलीट व्यक्ति जहां जाएगा इन्फ्लुएंस कर देगा, समझ गए, निर्णयों को भी प्रभावित करता है। अब इसमें दो बिंदु तीन चार बिंदु हैं जो बताना है मुझे, और हो जाता है तीसरी दुनिया। क्या जानना है जरा ये भी लिख लो पहले, आल्सो नो, आल्सो नो लिखो। तुम लोग किससे इन्फ्लुएंस हो? रुचि, हर जिंदगी में हर आदमी इन्फ्लुएंस होता है ना, किसी न किसी से प्रभावित होता है। क्यों सिमरन? गाना है ना, तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई, तो वो क्या है, वो इन्फ्लुएंस ही तो हुआ। हाँ, बाकी भी आए थे, काहे बात बिगड़ गई, वो आए तो कैसे बात बन गई, इन्फ्लुएंस ही तो कर गया वो। हाँ, लिखो, करेक्टरिस्टिक ऑफ सोशलिस्ट स्टेट, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशलिस्ट स्टेट, समाजवादी राज्य की विशेषताएं। तीसरी दुनिया में क्या है बेटा, समाजवादी राज्य की विशेषता पाई जाती है, ठीक है, तीसरी दुनिया में समाजवादी राष्ट्र की भी विशेषता पाई जाती है। चेंजिंग नेचर ऑफ स्टेट, राज्य का बदलता स्वरूप। मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी, यह होती है तीसरी दुनिया में। लिखो, डिफरेंस बिटवीन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्री, विकसित और विकासशील देश के बीच अंतर। विकसित और विकासशील देश के बीच अंतर, आगे क्या लिखा, विकसित और विकासशील देश बीच के बीच में अंतर। नेचर ऑफ इंडिया कैपिटलिज्म, भारत पूंजीवाद का स्वरूप, भारतीय लिख लो, भारतीय इंडियन कर लो चाहे तो, नेचर ऑफ इंडियन कैपिटलिज्म, भारतीय पूंजीवाद का स्वरूप एंड एडवांस्ड इंडस्ट्रियल एंड डेवलपिंग सोसाइटी। इसमें लिख लीजिएगा, उन्नत औद्योगिक और विकासशील समाज,